बेलीपार थाना क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक मलाव शाखा में चोरी का प्रयास करने वाले गिरोह को क्राइम ब्रांच व बेलीपार थाना पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपितों के पास से पुलिस ने बड़े पैमाने में चोरी व लूट का सामान बरामद किया है। गिरोह करीब एक वर्ष से सक्रिय है, लेकिन पुलिस अभी तक इस वर्ष के 11 मामलों का पर्दाफाश कर सकी है। अन्य मामलों में आरोपितों से पूछताछ करेगी। गिरफ्तार सभी आरोपित खोराबार थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इस संबंध में डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बुधवार दोपहर पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि मलाव एसबीआई में चोरी के प्रयास को लेकर क्राइम ब्रांच व बेलीपार थाने की संयुक्त टीम लगाई गई थी। रात में क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली कि बैंक में चोरी के प्रयास के आरोपित कशिहार स्थित ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने की योजना बना रहे हैं। वह रात में ही चंद्रा घाट पीपा पुल से होकर निकलने वाले हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच के प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार शुक्ला, उप निरीक्षक सादिक परवेज की टीम ने पीपा पुल के पास मुठभेड़ के बाद चंद्रकेश पासवान उर्फ गोली निवासी रामनगर करजहा पसियान टोला, राजन शर्मा निवासी जंगल चौरी 63 टोला, राहुल कुमार पासवान निवासी कुरमौल, मोनू कुमार निषाद निवासी जंगल केवटलिया बेलपार, विष्णु पासवान निवासी रायगंज बाजार, वीर बहादुर उर्फ बहादुर निषाद निवासी जंगल केवटलिया बेलपार, विश्वजीत कुमार निषाद उर्फ चिपटा उर्फ अनुज निवासी जंगल बेलपार थाना खोराबार, अनिरुद्ध निषाद निवासी रामनगर करजहा घोसी टोला, राकेश पाल निवासी जंगल केवटलिया आदि शामिल हैं। डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपित गोली एक मेडिकल स्टोर संचालक का भाई है व देवरिया में डीजल चोरी के आरोप में जेल भी जा चुका है। गोली राहुल कुमार पासवान व मोनू ही इस गिरोह का नेतृत्व करते हैं। मोनू निषाद ग्राम प्रधानी के चुनाव की तैयारी भी कर रहा है। यह गिरोह छोटी छोटी चोरियों को अंजाम देता था, लेकिन अब यह बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी कर रहा था। मंगलवार रात में भी यह कशिहार में एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उससे पूर्व ही आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपितों के पास से 4 बाइक, 5 असलहा, 7 कारतूस व 3 खोखा, 10 मोबाइल, 1 सब्बल बरामद किया है। इसके अलावा उनके पास से 9,870 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक यह रुपये चौरी चौरा में एक शराब की दुकान के मुनीब से लूटे गए थे। खुलासा के दौरान सीओ कैंट सुमित शुक्ला भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, मैं तो शुरू कर दिया जम्मू लेट है ना, वैसे भी उसको फोन करो कहाँ गया। अरे वो ढकवा दो भाई, खड़ा करो एक मिनट। भावी प्रधान प्रत्याशी नहीं ठीक बनाना भी चाहिए। हो गया गोली कौन है गोली ये 9 लोग मुठभेड़ में अरेस्ट हुए हैं हमारे जनपद में। 9 लोगों ने कई घटनाएं कारित करी है, जिसमें से बेलीपार में एक बैंक में चोरी का प्रयास किया था 5/6 की रात में इसी महीने। उन लोगों को अरेस्ट किया गया है, सबको जेल भेज रहे हैं, सबके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। इसमें टोटल 9 लोग हैं और
जो मुकदमे इन्होंने अभी तक घटनाएं जो की है, जो प्रकाश में आई है, वो रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र की 3 चोरी की घटना है, खोरापार थाना क्षेत्र की भी 3 चोरी की घटना है, नकबजनी की घटना है ये। एक लूट की घटना 34,000 रुपये की इन्होंने करी थी चोरी चोरा थाना क्षेत्र में, और इसके अलावा चोरी चोरा की 3 और घटनाएं इन्होंने कारित करी है चोरी की। ये नकबजन और चोर हैं, और इनके कब्जे से 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई है इनके पजेशन से। 2 तमंचे 315 बोर के मिले हैं, 3 कारतूस मिले हैं, 1 तमंचा 303 बोर का मिला है, 1 जिंदा कारतूस के साथ मिला है, 2 तमंचे 12 बोर के मिले हैं, 10 मोबाइल फ़ोन मिले हैं इनसे, और 1 सब्बल मिली है जिससे ये लोग बैंक को तोड़ने का प्रयास किए थे, हालांकि उसमें सफल नहीं हुए। लूट के लगभग 9,870 रुपये बरामद किए गए हैं इनसे, जो इन्होंने चोरी चोरा थाना क्षेत्र के शराब की दुकान से मुनीम से लूटे थे। इसके अतिरिक्त चोरी का सामान, जो कई मुकदमे, जो चोरी के मुकदमे इन्होंने चोरी की घटनाएं कारित करी थी पिछले कुछ महीनों में, उससे संबंधित जो माल है वो मिला है। 2 बंडल तार मिले हैं इनके कब्जे से, 1 जोड़ी पायल मिले हैं, 1 जोड़ी पायल, 2 झुमके, 1 अंगूठी आदि मिले हैं, 1 गैस सिलेंडर मिला है, 1 चैन मिली है इनसे सोने की, 2 बैटरी मिली है, 1 बजाज मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स मिले हैं, 1 वाटर हीटर और 1 बंडल कॉपर केबल, 1 इन्वर्टर बैटरी, 3 मोटरसाइकिल बैटरी की और 1 DVR बॉक्स मिला है इनके कब्जे से, जो विभिन्न घटनाओं में, जो ये चोरी की घटनाएं हुई थी इनमें शामिल माल है। ये घटना वर्कआउट करने में क्राइम ब्रांच और सर्विलांस का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें सादिक परवेज चंद्रभान और सुशील कुमार शुक्ला इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के हैं, इनके द्वारा ये घटना वर्कआउट की गई है। और 9 लोग क्राइम में नए तरीके से आए हैं, इनकी कोई केमिस्ट्री पहले की नहीं है, ये घटनाएं करते रहते थे लेकिन कभी प्रकाश में नहीं आए हैं, पहली बार ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इसमें से चंद्रकेश पासवान उर्फ गोली, यह अभियुक्त पहले भी देवरिया जिले से जेल जा चुका है और उसके विरुद्ध 4 मुकदमे देवरिया में संज्ञान में आए हैं। अन्य की केमिस्ट्री पता की जा रही है, हालांकि अभी तक यही संज्ञान में आया है कि ये कभी जेल नहीं गए। इसके अतिरिक्त इनकी गैंग को पंजीकृत कराया जाएगा, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। एक ये मोनू कुमार निषाद के बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था, इसके संबंध में अभी तक ऐसा कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है, लेकिन ऐसा लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। ये सभी पर हम गैंगस्टर लगाएंगे, सबको जेल भेजा जा रहा है और गैंग के पंजीकरण की कार्रवाई करेंगे और हिस्ट्री शीट भी इनकी सबकी खोलेंगे। ये सभी जनपद गोरखपुर में थाना खोरापार के रहने वाले हैं और इसी एरिया में ये क्राइम करते थे, खोरापार में, चोरी चोरा में, रामगढ़ ताल में, और छोटे क्राइम करते थे जनरली ये लोग, मोबाइल छीन लेना और इस तरह की घटनाएं करना और छोटी मोटी नकबजनी कर लेना, इस तरह की घटनाएं करते थे, लेकिन कभी प्रकाश में नहीं आई। इस बार इन्होंने बैंक को लूटने का प्रयास किया, बैंक में चोरी का प्रयास किया, जिससे संबंध में हम लोगों के द्वारा टीम लगाई गई और टीम को सक्सेस मिली और इसमें जो है 9 लोग अरेस्ट किए गए। थैंक यू।